हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लॉज योर राइट्स। सो ये आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का एक सब्जेक्ट है, सेक जिसको हम बोलते हैं। तो मैं आपके साथ आज इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस जो हैं मतलब काफ़ी टाइम रिपीट होते हैं, तो आप इनको एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसीडर कर सकते हैं। एंड मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इनमें से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ज़्यादातर। तो आप इनकी प्रैक्टिस प्रिपरेशन कर सकते हो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। सो इसका मतलब मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। सो इसमें है कि आपको जो रूल ऑफ लॉ है उसको एक्सप्लेन करना है और इंडिया में जो क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है, ठीक है, उसको भी हमने एक्सप्लेन करना है। यानी इसमें है क्रिमिनल मतलब जिसने कोई क्राइम किया हो, जो दोषी हो, उसका जो सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन इज़ राइट अबाउट मिनिमम वेजेस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें जो एक्ट हुआ था हमारा मिनिमम वेजेस का, कि जो लेबर की वेजेस है यानी कि जिसको हम बोलते हैं दिहाड़ी, वो कितनी होनी चाहिए, तो इस एक्ट में जो कि एक्ट आया था 1948 में, तो इस एक्ट में जो मिनिमम वेजेस हैं वो फिक्स की गई थी लेबर्स की और वर्कर्स की। तो ये वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज़ डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्टिस एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार देखने को मिलता है, तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। इसका हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे संविधान में मतलब ऐसे कौन कौन से राइट्स गिवन हैं जो शेड्यूल कास्ट यानी कि जो हमारे सोसाइटी में डिप्रेस्ड क्लासेस हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या हमारे संविधान ने ऐसे राइट्स यानी कि ऐसे अधिकार प्रोवाइड करे हैं जो इन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली इसमें आपको शेड्यूल कास्टिस एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं, जो उनको रिजर्वेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी है, वो एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द RTI एक्ट 2005। सो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 का एक्ट है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्कस टाइप्स ऑफ बेल्स। सो आपको इसमें बेल के जो टाइप्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। सिक्स क्वेश्चन शॉर्ट नोट से रिलेटेड है। मैंने आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताया था, तो आप उसकी वीडियो को देख सकते हो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो उसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है राइट ऑफ डिसेबल पर्सन, राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मनरेगा, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन इज राइट द करैक्टरिस्टिक्स एंड रोल ऑफ मनरेगा। एट क्वेश्चन इज डिस्कस द ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड लॉज रिलेटेड टू देम। ये वीमेन के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, और मनरेगा के ऊपर भी पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शॉर्ट नोट में भी हो सकता है और ऐसे भी आ सकता है बड़े में। नाइन्थ क्वेश्चन इज राइट द लॉज रिलेटेड टू रेप एंड सेक्सुअल हरेसमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलता है, मतलब पेपर में आपको एक क्वेश्चन रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड और मनरेगा से रिलेटेड और SCs एंड ST से रिलेटेड और वीमेन से रिलेटेड हर बार देखने को मिलता है योर लॉज एंड योर राइट्स वाले पेपर में। टेंथ क्वेश्चन इज प्रोविजन रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट FIR, और FIR से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग गए होंगे, आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप
को आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों या फाइनल ईयर के हों, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक और पीडीएफ क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं प्रीवियस ईयर, वो मैं शेयर करते रहती हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। आपको जिस भी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप उसका उस पेपर का प्रॉपर नेम लिखिए, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ इतना लिख देते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस। अब बीए पॉलिटिकल साइंस आपको ऑनर्स के चाहिए या फिर आपको प्रोग्राम के चाहिए, पेपर का नाम क्या है, जीई पेपर है क्या है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपका जो पेपर का नेम है, जैसे अभी इसका था सैक का, सैक में तो और भी पेपर होते हैं, लेकिन ये जो पेपर है सैक का, वो है योर लॉज एंड योर राइट। तो आपको प्रॉपर नेम लिखना है कि आपको किसका क्वेश्चन, कि आपको किसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या फिर अगर आपको किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न जानना हो तो आप मुझे वो भी लिख सकते हो, ठीक है? सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।